लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे थूक जिहाद के हिसाब की। यूपी सरकार दो नए अध्यादेश लेकर आ रही है, जिसके बाद थूक के खेल में सीधी जेल होगी। इसके साथ ही बात करेंगे उपचुनाव के घमासान में क्यों मचा है मिल्केपुर पर संग्राम, क्या कल हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो जाएगा मिल्केपुर का रास्ता। साथ ही बताएंगे लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक के साथ हुए थप्पड़कांड में बड़े एक्शन की, पार्टी से निष्कासित करने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। इसके अलावा बात होगी बहराइच कांड में बड़े खुलासे की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के पहले बर्बरता का भी खुलासा हुआ है। मृतक के शरीर में गोली के करीब 30 छर्रे मिले हैं। इन्हीं खबरों के साथ लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर को लेकर हो रही है। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड कर दिया था। मिल्कीपुर चुनाव से जुड़ी याचिका पर फैसला कल आएगा। पूर्व बीजेपी विधायक ने अपनी याचिका वापस ले ली है। 2022 में गोरखनाथ ने याचिका लगाई थी, आज हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका वापस ले ली है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिका की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव को होल्ड किया गया था, लेकिन अब पूर्व विधायक की याचिका वापस लेने से उपचुनाव का रास्ता भी स्पष्ट होता नजर आ रहा है। वहीं इसे लेकर SP कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। पूर्व विधायक गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड किया था। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने याचिका में अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2022 में ये याचिका दायर की गई। अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज लगाए, जो नोटरी कराई, वो बोकस थे। उसका लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। उस पे निर्णय भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि उस पे निर्णय नहीं हुए। मेरे बात पे मैंने अधिवक्ताओं को बताया, कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने बात गई तो स्टे तो नहीं मिला, पर मेरी बात को माना और सबको इशू नोटिस। उस पे मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव होता है, अवधेश प्रसाद जी सांसद बनते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो चीज वैसे शून्य हो गई, क्योंकि इस तरीके का ये देश का पहला मामला था। मिल्कीपुर उपचुनाव टलने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर सवाल खड़े किए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हार के डर से चुनाव को डाला गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मिल्कीपुर में भगवान राम बीजेपी से नाराज है। अखिलेश यादव की बातों को सुना होगा, जो जंग टाला वो जंग हारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने टाला तो भारतीय जनता पार्टी हारी हारेगी। और ये चर्चा पूरे क्षेत्र में है कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव खटलवाया है। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हैं 2 महीने से, तो क्या ये जो मंत्री लगे हैं उसमें तो ज्यादातर ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में हारे हैं, अपने क्षेत्र में हारे हैं, इस लोकसभा में हारे हैं, और अभी केशव मौर्या जी गए थे वो अपने विधानसभा में हारे हैं। तो हारे लोग हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाए हैं, तो मिल्कीपुर जीता पाएंगे। मिल्कीपुर में भगवान नाराज हैं, राम जी ने पहले उनको बता दिया था, आगे भी बता देते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उपचुनाव में मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मिल्कीपुर सीट को लेकर इन लोगों का कहना है कि विपक्ष बेवजह ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। साथ ही दावा किया कि सभी सीटें NDA जीतेगी। 9 सीटों का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। मिल्कीपुर सीट पर निर्वाचन आयोग ने घोषित नहीं किया है, क्योंकि वहां माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन है और आज अखबारों में हमने देखा है कि वो रिट पिटीशन वापस लेने वाले हैं। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही फैसले लेगा। जो समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी दल है वो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं। ये चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये इसके टेक्निकल कारण है, उसमें इलेक्शन पिटीशन वगैरह कोर्ट में शायद है, उसके बारे में कहा है। और मुझे लगता है इन टेक्निकल कारण से अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया है तो उस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। और आज नहीं तो कल वहाँ चुनाव होगा, इतनी क्या हड़बड़ी है। मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद और RLD सांसद
राजकुमार सांगवान ने कहा कि एनडीए सभी 9 सीटें जीतेगी। पहले 10 की तैयारी थी, अभी हम लोग 9 सीटों की तैयारी है, 9 पर प्रभारी हैं और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत दर्ज कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेतृत्व से बात हुई है, मिल बैठ के हम लोग जो भी हो उन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मान रखा जाएगा, हर सहयोगी दल को सम्मान साथ लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए चुनाव लड़ेगा, 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम पूरी 9 सीटों की तैयारी कर रहे हैं एनडीए, और 9 की 9 सीटें एनडीए जीतेगा। जो विपक्षी दल हैं वो हताशा से परेशान हैं, वो सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उनके मंसूबे आदरणीय मुख्यमंत्री कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा चाहे कोई भी। चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में मिल्कीपुर पर कोई भी फैसला अगर जल्द नहीं हुआ तो मिल्कीपुर का चुनाव टल जाएगा। याचिका वापसी में अगर हफ्ते भर का समय लगा तो ये चुनाव 13 नवंबर को करा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महज 20 दिन का ही वक्त बचेगा। ऐसे में विपक्ष के हाथ बैठे बिठाए मिल्कीपुर चुनाव टालने का मुद्दा लग जाएगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बहराइच बवाल में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बवाल में मारे गए लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। बहराइच के सीएमओ ने खुलासा किया है कि बहराइच बवाल में मरने वाले लड़के के शरीर में 30 छर्रे लगने से मौत हुई थी, पैरों के अंगूठों के नाखून भी टूटे हुए। और इतना ही नहीं, लड़के के शरीर पर चोट और जलाए जाने के निशान भी मिले हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह शरीर से ज्यादा खून बहना बताया जा रहा है। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर की मांग है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई ना करे बल्कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी पर आपको एक रिपोर्ट। बहराइच में हुए बवाल का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके दो बेटे नेपाल भाग गए हैं। अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू की नेपाल में ससुराल है और वो वहाँ सर्राफा का काम करता है। न्यूज 18 के पास उन दो आरोपियों की फोटो है जिस पर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। इन लोगों ने गोली चलाई थी जिससे एक लड़के की जान चली गई थी। एक लड़के के हाथ में बंदूक है जबकि दूसरा लड़का घर से लगातार पत्थर और बोतलें नीचे फेंक रहा था। पुलिस को इन्हीं मुख्य आरोपियों की तलाश है। एसटीएफ भी बहराइच के बवालियों की तलाश में जुट गई है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल और एक लड़के की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बहराइच के सीएमओ ने जानकारी दी, शरीर में 30 छर्रे लगने से हुई मौत, पैरों के अंगूठे के नाखून टूटे हुए थे, शरीर पर चोट और जलाने के भी निशान मिले, ज्यादा खून निकलना बना मौत की वजह। छर्रों के लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उसके कारण मृत्यु हुई है। कितने छर्रे सर लगे हैं? 25 से 30 के करीब लगे होंगे। सर ये भी बताया जा रहा है कि बर्न है और अंगूठों के नाखूनों के साथ छेड़खानी की गई, किस तरीके से हुआ? दोनों पैर के अंगूठों के नाखून का कुछ हिस्सा गायब है और वो किसी न किसी तरह की चोट से ही पैदा हुआ है, उस तरह का घाव तो वहाँ चोट लगी है। बर्न भी शुरू हुआ है इसमें? बर्न जैसा कुछ है नहीं है, इस पर डिटेल में वो टीम ही बता पाएगी। कुछ काला जैसा था वहाँ। मौत का सर कारण क्या रहा है? मौत का कारण छर्रों के लगने से अत्यधिक ब्लीडिंग और ब्लीडिंग से शॉक से डेथ। बहराइच में हुए बवाल पर संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है, लोगों के दिल से पुलिस और प्रशासन का खौफ निकल चुका है, सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करती है। हमारी मांग है एक तरफा कार्रवाई ना हो, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही यहाँ पर। अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है। अगर अपना कानून का राज नहीं कर पा रही है तो फिर मैं तो चाहूंगा कि यहाँ बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लगे जिससे कि कम से कम कानून व्यवस्था का राज कायम रहे।
बहराइच में मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा के बाद से मार्केट में दुकानें कई दिनों तक बंद है। तनाव वाले इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके लड़के फरार हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। खाने पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है और इसके लिए सरकार सख्त कानून भी ला रही है। यूपी सरकार दो नए अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिससे खाने की चीजों में थूकने या किसी भी तरह की मिलावट करने पर सख्त एक्शन होगा। पहचान छिपाने पर भी सख्त एक्शन की तैयारी है। दोनों अध्यादेश में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। खाना बनाने में इस्तेमाल चीजों की जानकारी का अधिकार भी होगा, वहीं खाने में किसी भी तरह की मिलावट का शक होने पर पुलिस से शिकायत करने का भी अधिकार होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें अध्यादेश लाने पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी साझा की है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार दो नए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इसमें खाने पीने की चीजों में थूकने या फिर उन्हें दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा। दो नए अध्यादेश लाने की तैयारी में यूपी सरकार, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। खाने की चीजों में थूकने पर होगा सख्त एक्शन, पहचान छिपाने पर भी सख्त एक्शन की तैयारी। जल्द अध्यादेश लाने वाली है यूपी सरकार। नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वो होटल या रेस्टोरेंट में ये पूछ सकते हैं कि उन्हें जो परोसा गया है उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। सीएम योगी ने अपने आवास पर दोनों अध्यादेश के मसौदे पर गृह विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। नए कानून के तहत खाने पीने के सामान में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान होगा। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, खाने की चीजों में गंदी चीजों की मिलावट, असभ्य और अमानवीय आचरण स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, ऐसे गलत कामों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खाने में सामान की पवित्रता बनाए रखने के लिए कठोर कानून लाए जाएंगे। प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कराया जा सकता है। अब आपको बताते हैं क्या है नया अध्यादेश। छद्म और सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024, प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024। दोनों अध्यादेश में थूक कर खाना खिलाने वालों के खिलाफ सख्त सजा। नए कानून में ग्राहकों के लिए कई नियम होंगे। ऑर्डर के बाद भी खाना पसंद नहीं आने पर इनकार का अधिकार होगा। खाना बनाने में इस्तेमाल चीजों के बारे में जानने का अधिकार होगा। खाने में जरा भी शक होने पर पुलिस से शिकायत करने का अधिकार होगा। नए अध्यादेश को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि खाने में थूकने और मिलावट के वीडियो सामने आने के बाद सरकार फूड सिक्योरिटी को लेकर एक्शन की तैयारी में है। फूड सिक्योरिटी को लेकर के हमारी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। ये विभिन्न वीडियोज में देखने को मिला है कि जो खाने की सामग्री है उसको प्रदूषित विभिन्न माध्यम से किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए गुणवत्ता परक भोजन सामग्री उपलब्ध हो, कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो, या जिस ढंग से वीडियोज में दिखाया गया है कोई थूक रहा है, कोई गलत तरीके से उसका मिश्रण कर रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है सेहत के लिए और हानिकारक होने के साथ साथ हमारे संस्कारों के भी खिलाफ है। तो हम शीघ्र ही आपके समक्ष कोई व्यवस्था लेकर के आएंगे, कोई ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि लोगों को गुणवत्ता परक उच्च कोटि का भोजन उपलब्ध हो पाए। हाल ही में यूपी और उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें खाने में थूकने की शिकायतें मिली। शामली में जहां जूस में थूकते हुए शख्स दिखाई दिया, वहीं ग्रेटर नोएडा में रोटी बनाने वाले उसमें थूकते नजर आए। बागपत के साथ देहरादून और मसूरी से भी रोटी में थूकने की तस्वीर सामने आई। यूपी सरकार के नया अध्यादेश को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है। ये मसला किसी एक पक्ष, धर्म या बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है।
और इसको दूसरा रंग दिया जाए तो अलग बात है, खासतौर से बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगंडा करने का काम करती है। और मेन चीज जो है उन पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, एजुकेशन शिक्षा का हो, या जो भी विकास का काम हो। फिर भी उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानून के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या स्ट्रीट वेंडर्स को चलाने वाले लोगों को अपने नाम को सार्वजनिक करना होगा। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के पहचान को भी सार्वजनिक करना होगा। साथ ही साथ जहां किचन होगा, जहां खाद्य पदार्थ रखे जाएंगे, वहां पर्याप्त संख्या में CCTV लगाया जाए। यूपी के कई शहरों से भी कुछ और तस्वीरें सामने आई। जहां गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने की घटना सामने आई, वहीं बहराइच में फल पर टॉयलेट का पानी छिड़कने का वीडियो वायरल हुआ और कन्नौज में चेहरे पर थूक मसाज का वीडियो भी सामने आया था। इस बीच सहारनपुर से एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के रोटी में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने एक्शन की मांग की है। गाजियाबाद में घरेलू सहायिका पर रोटी बनाते वक्त उसमें पेशाब मिलाने का आरोप लगा है। घर में लगे CCTV में पूरी तस्वीर कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की घटना बताई जा रही है। योगी सरकार खाने पीने की चीजों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। प्रस्तावित कानून में 5 साल तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। यूपी सरकार अगले सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। News 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह व्यापारी नेता राजू अग्रवाल को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की शिकायत पर अवधेश सिंह समेत 4 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी पर एक्शन को लेकर बीजेपी विधायक ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। एक रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह व्यापारी नेता राजू अग्रवाल को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया। सदर कोतवाली में अवधेश सिंह समेत 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लूट, जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। 9 अक्टूबर को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डेलीगेट के नामांकन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उसके गुर्गों पर बीजेपी विधायक से मारपीट करने का आरोप लगा था। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डेलीगेट के नामांकन के दौरान बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह ने डेलीगेट का पर्चा भरने आए प्रत्याशी राजू अग्रवाल और विधायक योगेश वर्मा के साथ बदसलूकी की और मारपीट भी की, जिसके बाद सीएम योगी और बीजेपी संगठन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह समेत 4 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने सीएम योगी की कार्रवाई पर संतोष जताया है। हम लोग कल मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। FIR भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका ऋणी। संतुष्ट है आप इस कार्रवाई से? हाँ बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ हुई मारपीट से राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने भी घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। बीजेपी विधायक की शिकायत के बाद भी FIR दर्ज न होने पर सवाल खड़े हो रहे थे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह की पत्नी इस चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदार थी और इस घटना के बाद चुनाव को कैंसिल कर दिया गया था। वहीं इस मामले में अब अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह समेत 4 लोगों पर संगीन धाराओं में केस दर्ज हो गया है। News 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया गया है। न्याय की देवी की मूर्ति से आंखों की पट्टी हटा दी गई है और साथ ही हाथ में तलवार के जगह संविधान थमाया गया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ये अनोखी पहल। सीजीआई पहले भी सकारात्मक बदलाव के संकेत दे चुके हैं। परंपरागत मूर्ति की तरह एक हाथ में तराजू तो दूसरे पर तलवार की जगह भारत का संविधान है। दरअसल रोमन माइथोलॉजी में न्याय की देवी जस्टिशिया है, लेडी ऑफ जस्टिस जिन्हें कहा जाता है। रोम के सम्राट ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुणों में से एक मानते हैं। उनके बाद सम्राट टिबेरियस ने रोम में जस्टिशिया का एक मंदिर बनवाया था। जस्टिशिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गई जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। और पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।